हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स के साथ मैं लंबे अरसे के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इन दिनों ऐसे भी वीडियोस कम रहे हैं चैनल पर और कमेंट में कुछ खासा रहा नहीं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट सवाल नहीं रहे, तो मैं डालता रहा और कोशिश करता रहा कि संडे को भी अगर पॉसिबल हो तो एपिसोड्स में डाल सकूं। वैसे आज कमेंट बॉक्स को मैं डाल नहीं पाया, संडे है और जब मैं सुबह ऐसे ही चैनल के पेज देख रहा था तो एक कमेंट पर मेरी नजर टिक गई और इस तरीके के कमेंट हो तो बड़ा ही मजा आता है। एक्चुअली पढ़ाने सिखाने का मजा तब है जब आप अपनी इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं और सवाल पूछते हैं। मैं आता हूं वहां पर, लेकिन उससे पहले यहां पर जिस तरीके से हमने कमेंट बॉक्स को किया है वही यहां पर करेंगे। आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ समस्या होगी तो उसका निदान आपके सामने रखेंगे और सारे कमेंट्स और आपके सवाल को रखेंगे। यहां पर सबसे लेटेस्ट वाले कमेंट से शुरू करते हुए हम पिछले कमेंट बॉक्स के जितने भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हो सकेंगे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कमेंट यहां पर है। सबसे पहले तो पिछले दिन जो सेशन शुरू किया है मैंने फिलर्स, उस पर शशि ने लिखा है, नाइस सेशन सर, और साकेत प्रियदर्शी का भी है, थैंक्स सर फॉर दिस हेल्पफुल सेशन। तो मैं यहां पर शशि, साकेत और अपने सारे सब्सक्राइबर्स और विशेष करके वैसे बच्चे जिनको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर रीडिंग में परेशानी होती है, अंडरस्टैंडिंग की समस्या है, या वो चाहते हैं कि उनकी वोकैब अच्छी हो जाए और आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो अपेयर होना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट हो, तो ये सबसे जरूरी है कि जिस किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश पूछा जाता है, और स्पीकिंग वालों को भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बोलना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश के लिए वर्ड्स रटने पड़ते हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफी जो है मददगार होगा। मैं यही सोच करके फिलर्स लेकर के आया। सबसे पहली सोच थी कि ऊपर में दो तीन छोटे छोटे लाइंस होते हैं, बड़ा कुछ होता नहीं है, क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या सेंटेंस अरेंजमेंट जैसा, जिसको कि आपको पढ़ने में परेशानी होगी, छोटे छोटे लाइंस होते हैं तो आप पढ़ ही लेते हैं और सीखने की इच्छा तो रखनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले वहां पर अगर आपको परेशानी होगी तो मैं मीनिंग समझाऊंगा। दूसरी बात, इसमें मैंने स्ट्रैटेजी भी बदल दी है कि मैं आपको होमवर्क के लिए कोई भी सेट उपलब्ध नहीं करा रहा हूं। आप जब भी वीडियो देखेंगे वहां पर आपको उचित जो समय होता है 10 सेकेंड 15 सेकेंड जैसा होगा क्वेश्चन के हिसाब से, हम उसको बढ़ाते और घटाते रहेंगे, उसी समय में वो एपिसोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जितने वर्ड्स आएंगे, अगर मैं 5 क्वेश्चन लेकर के आता हूं तो 50 वर्ड्स होंगे, अगर वो डबल फिलर है तो, सिंगल फिलर है तो फिर जो है 25 आपको मिलेगा वर्ड वहां पर। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको पता हो, बहुत सारे नए हो, तो बहुत सारी जो कंटेक्स्ट के हिसाब से हम उसको समझाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाएगा। और बार बार जब इसको करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर शामिल करूंगा, तो वो बार बार रिपीट होगा ही, कोई हर सेशन में नया वर्ड आना संभव नहीं है। तो अगर आप उतनी बार एक ही वर्ड को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए साकेत, शशि और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एरर स्पॉटिंग में कुछ खासी इंटरेस्ट नहीं दिखाई, वैसे वो बहुत मजेदार सेशन था और जिन्होंने बनाया है उनको उसका फायदा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फायदा हुआ है तो नीचे लिख करके मुझे बताइए, क्योंकि आपका ऐसा बताना कहीं ना कहीं ये लगता है कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स और मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको मदद पहुंचा रहा है और हमारा प्रयास सफल रहा है। अब हम यहां पर उस कॉमेंट पर आते हैं जिसके लिए हमने यहां पर इस सेशन को टालना मुनासिब नहीं समझा। ये है इम्तियाज खान, इन्होंने लिखा है कि ही मेड अस लाफ, ही मेक्स हर क्राई, सर व्हाट अबाउट दीज सेंटेंसेस, एंड सर व्हाट अबाउट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, यू डिडंट चेंज और पुट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, एग्जाम्पल आई विल गेट, सो आई विल बी और नॉट। इन्होंने बहुत लॉजिकल बात यहां पर कही है, लेकिन मैं सबसे पहले तो इम्तियाज जी से कुछ बातें यहां पर कहूंगा कि ये सेशन जो है वो पॉजिटिव वर्ब का है। जी हाँ, वॉइस है सबसे पहले तो ये, और वॉइस में भी ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। इन्होंने सवाल लिखा है, ही मेड अस लाफ, और आप सभी बच्चों से मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि आज जब मैं इस कमेंट को देखा तो मैंने अपने उस सेशन को दोबारा देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, कि आखिर बच्चे के नजरिए से क्या वो कठिन है। तो एक्चुअली जो एग्जाम्पल मैंने वहां पर लिखा था कि आई मेड माई हेयर कट, और फिर मैंने उसको कहा था कि ये पैसिव है, और फिर उसके नीचे मैंने उसका एक्टिव लिखा था, उस पर कुछ विशेष बात हुई नहीं थी, एज एन एग्जाम्पल मैंने उसको वहां पर रख दिया था। तो मुझे ये लगा कि ये हिस्सा हटा दिया जाए वीडियो में से तो सही है, और मैंने ऑनलाइन एडिटर का सहारा लिया और वहां पर जो एडिटिंग में है वो इंटरनेट स्पीड की वजह से गड़बड़ी हुई है,
मैं कल शाम तक या परसों इसका फ्रेश एपिसोड जो है फिर से डाल दूंगा, आप वो लिंक एक्टिवेट करके आप उसको देख लेना कॉजिटिव में। यहां पर इस एपिसोड में आवाज आगे पीछे हो गया है, वॉइस के प्लेलिस्ट में जो कॉजिटिव वर्ब वाला एक्टिव पैसिव है मैं उस सेशन की बात कर रहा हूं। इम्तियाज जी ने जो बात कही और ये बहुत अच्छी बात है कि आप वहां पर उलझ गए और आपने उसे समझने के लिए सवाल पूछा। सबसे पहले तो आप प्रशंसा के पात्र हैं कि आप इतने ध्यान से चीजों को देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। यही चीज सब में होनी चाहिए, स्टूडेंट होने में ये लक्षण बहुत जरूरी है। मैं सबसे कहूंगा आप सब बच्चे जिन्होंने इस सेशन को देखा और आपने सवाल नहीं पूछा तो समझिए कि इम्तियाज जी ने यह सवाल उठाकर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जो है एक सवाल या निशान जो है वो लगा दिया है कि आप कैसे बनाए, आपने क्या देखा, क्या आपको समझ में आ गया, आप सेटिस्फाइड हो गए। तो अगर आप पॉजिटिव के लिए एपिसोड देखेंगे तो वो परसों आपको नया लिंक कल शाम तक मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना, क्योंकि कुछ हिस्से के बाद एडिटिंग में गड़बड़ी की वजह से वो आगे पीछे हो गया है। अब देखिए इम्तियाज जी, पहला सवाल तो आपका यहां पर ये है, इसको जब बनाएंगे ना हम तो इसको बनाएंगे ही, ये ही नहीं, यहां से आएगा ये अस, क्या हो जाएगा वी, और चूंकि ये मेड है वी टू, क्या हो जाएगा वी वर मेड टू लाफ। देखिए आप यही चाहते थे कि आपने ये हेल्पिंग वर्ब इसमें ऐड नहीं किया। इसके बाद एक सवाल आपने लिखा है, ही मेक्स हर cry, इस सवाल को भी जब आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, सी इज मेड टू cry। यहां पर कोई भी परेशानी नहीं है, आप इसे इस तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन मैंने जो कहा था उस सवाल को जरा गौर से देखिए कि मैंने कहा था I made my hair cut। अब जरा इसको गौर से देखिए, मैंने कहा था कि ये जो है ये है पैसिव, और मैंने इसके पैसिव के लिए कहा था एक्टिव का जो फॉर्मेट बताया था वो आपको ध्यान में हो अगर, क्योंकि मैंने उसे हटा दिया है वहां से, मैंने बताया था कि I made someone cut my hair। अब देखिएगा इस हिस्से को समझिए, यह समझना बहुत जरूरी है। मैंने देखिए यहां पर इस सवाल में ऑब्जेक्ट देखिए इस तरफ है, क्लियर है, और इसमें देखिए कि ऑब्जेक्ट लास्ट में है, तो मेरा जो हिस्सा है ये कि समवन कट माय हेयर, इसको मैंने बदला है। माय हेयर कट जो है इसका सेंस होता है माय हेयर टू बी कट, वो वहां लिखा नहीं गया है बट सेंस वही है, और ये जो पहला हिस्सा है ये स्टैटिक रह गया इसीलिए बना आई मेड, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने शुरू में रख दिया माय हेयर कट, ये उसमें अंडरस्टूड है टू बी कट, हमने इस हिस्से को चेंज ही नहीं किया है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर, हमने ऐसा नहीं है कि समवन वॉज मेड ऐसे करके मैंने नहीं बनाया इसको, मैंने इसके दूसरे हिस्से, इसको पहले वाले हिस्से को मैंने स्टैटिक छोड़ दिया, इसको मैंने यहां पर कॉपी कर लिया, लिखा आई मेड, और इधर से मैंने लिखा माय हेयर, इसमें मैंने आगे इस सेशन में ही जो ये पॉजिटिव वर्ब वाला सेशन है उसमें मैंने इसके प्रोसेस को भी बताया है कि हम कैसे बनाते हैं, कि जो पॉजिटिव वर्ब है उस तक कॉपी कर लेते हैं, उधर के ऑब्जेक्ट को यहां लाते हैं, और चेंज करने का जो प्रोसेस मैंने वहां पर बताया है आप उसको एक बार फिर से देखिए। ये जो केस है, और इस केस में देखिए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस केस में देखिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर जो है समवन कट माय हेयर, यहां पर कट का ऑब्जेक्ट है आपके पास माय हेयर, और हमने उसको बदला है, जो हम वॉइस में करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो यह बात शायद आपको समझने में परेशानी हुई, यह सवाल भी है, मैंने इस हिस्से को नहीं बताया है, यह आपको परंपरागत जो है किताबों में मिल जाता है, चूंकि यहां पर आपके पास यह सेंटेंस पूरा है, सिंपल सी बात है कि ही मेड अस लाफ, ये आपका पूरा है, आप इसको वही एक्सचेंज वाले फॉर्मेट पर चेंज करेंगे जैसे मैंने आपको नॉर्मली जो है एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए सिखाया है, और आप आसानी से इसको बदल पाएंगे। लेकिन यहां पर ये जो सवाल है कि आई मेड माय हेयर कट, एक्चुअली वो पैसिव ही है, तो मैंने पहले आज सुबह तो हटाने की कोशिश की, बच्चों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन अब मैं उसको वैसे ही जैसे था वैसे ही अपलोड कर दूंगा, आप फिर से उसे देखिए, और अगर परेशानी होती है तो आप दोबारा मुझे सवाल कीजिए,
मैं बिल्कुल फिर से जो है अगर हो सकेगा कमेंट बॉक्स का टाइम रहा तो कमेंट बॉक्स का, या नहीं तो मैं अलग से सेशन लेकर के उसको समझाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाता हूं, आप चीजों को ढंग से समझ पाते हैं और कंसेप्चुअली अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाते हैं। चलिए अब अगला कॉमेंट देखते हैं। संगीता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश तेजस्वी राधा वर्मा, राजेश वर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए चैनल पर देखते रहिए। सुष्मिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया आप सब ने idioms and phrases के जो मैंने शामिल किए थे एपिसोड उस पर आपने सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं यहां पर सेंटेंसेस को देखा बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ कुछ सेंटेंस वो कहीं मैंने न्यूज़पेपर में या कहीं पर गूगल में या अपने सर्च के दौरान मैंने पढ़ा है, जब मैं उस idiom के बारे में जांच परख रहा होता हूं या उसके कंटेक्स्ट को ढूंढ रहा होता हूं, तो मुझे ऐसे सेंटेंस एक दो कहीं पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसके में मिला। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको खुद से मैं जो कहता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप 5 सेंटेंस बनाओ, आप कोशिश करो। मैं देखो शिवम नीचे, शिवम ने कॉमेंट में भी जो है सेंटेंसेस बनाए हैं और उस सेंटेंस को मैंने कई बार जो है उसमें काटा भी है उसको, उसके लिए जो है मैं उसको सुधारने के लिए भी बोलता हूं कि भाई इसको सुधारिए, ये जरूरी है। तो सुधरेंगे तभी जब आप करेंगे, जब आप करेंगे नहीं तो आप में सुधार के कोई चांसेस नहीं है। आपको पहले गलती करनी सीखनी होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करेंगे तो गलती होगी और जब गलती होगी, जब समझेंगे तब उसमें जो है सुधार होगा और तब वो जो आपकी ज्ञान, आपका ज्ञान होगा वो परमानेंट हो जाएगा आपका। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए। जो लोग नहीं बनाते हैं सेंटेंसेस idioms and phrases में, जो मैं 5 idioms and phrases शामिल करता हूं उस पर आपको बनाना चाहिए। ये एक तरीका है जिस माध्यम से आप इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बाकी इट्स सूरज राज, दिस इज रियल नॉलेज। सूरज बने रहिए, अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है या कुछ ऐसी आपकी परेशानी है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी परेशानी से रिलेटेड जो टॉपिक है या उसका जो निदान है वो मैं आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। सिजान नो सुनर वाला फिर से क्लियर कर दीजिए। देखिए यहां नो सुनर वाले में अगर मैं इसको क्लियर करूं तो देखिए नो सुनर जो है ये इन्वर्जन लेता है। इसके साथ हम यहां पर या तो डिड यूज कर सकते हैं या हैड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे सेंटेंसेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जब डिड लिखेंगे तो उसके साथ वी वन लिखेंगे और जब हैड लिखेंगे तो यहां पर वी थ्री लिखेंगे, आगे देन यूज करते हैं। इसमें कोई भी खास बात नहीं है। नो सुनर के साथ दो ऑप्शन है, या तो आप डिड से सेंटेंस लिख सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि डिड जब प्रयोग करेंगे तो देन, ये वी वन का प्रयोग करेंगे, देन तो दोनों केस में होता है। नो सुनर चाहे वो आप डिड लिखो या हैड लिखो, आपको देन लिखना है, याद रखना है। ये पेयर है इसका, नो सुनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान बस एक ही बात की रखनी है कि अगर आप डिड का प्रयोग कर रहे हैं देन यू हैव टू यूज वी वन एंड इफ यू आर यूजिंग हैड यू हैव टू यूज वी थ्री। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ खासी परेशानी है, अगर दिक्कत हो तो पूछिए। शिवम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शशिराज आप प्रोवाइड करा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया है और मैं आगे कोशिश करता हूं कि और सारे जो प्रकार के मैंने नरेशन बताए हैं उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊं। नैन्सी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए। और आप ये समझ सकते हैं, यस सर आई गॉट कंफ्यूज व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 666। तो देखिए ये आप समझ सकते हैं कि जब एरर बनाते हैं थोड़ा समय लग जाए, 30 सेकंड की जगह 45 सेकंड लग जाए, लेकिन आप आराम से बनाइए क्योंकि अगर थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी रफ्तार आप बढ़ा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी सभी लोगों ने उससे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, तो मैं चंचल, सुष्मिता, सिजान, विकिंग, प्रतीक, विकास गिरी, श्रेया, इन सबको अपनी तरफ से शुभ और मंगलमय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उस समय भी आप सबके लिए एपिसोड लाया था और आज मैं यहां सामने से कह रहा हूं कि पिछले साल की तरह ये साल आपके लिए डरावनी, सावधानी भरी हुई ना हो। आप स्वच्छंद रूप से अपने सारे डायमेंशंस पर, अपने सारे आयाम पर खुल करके अपना प्रदर्शन कर सकें और आपको आपकी इच्छित जीत हासिल हो। हमेशा खुश रहें और लोगों में प्यार, स्नेह और खुशियां बांटते रहें, आपका जीवन हमेशा सुखद हो। पूजा,
बाकी जो लोग हैं, कुछ लोग तो इससे भी नाराज होते हैं सर मेरा नाम नहीं लिए। श्रेया, संगीता, हिमांशु राजपूत, इन्होंने लिखा है सुपर्ब सर एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस ऑनलाइन। हिमांशु, मैंने कोशिश की है लॉकडाउन के दौरान भी, मैंने कोशिश की है जहां तक संभव हो पाया है, मैं अपने कमरे से भी वीडियो शूट किया हूँ, बस आपकी कंसिस्टेंसी और आपका कमिटमेंट ये मुझे चाहिए होता है। आप सब लोग अगर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं, जो अभी रेगुलर हो रहा है, मैं फिर से कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहेगी मैं रेगुलर हो जाऊंगा। खैर, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी कंसिस्टेंसी की घूस मुझे दीजिए तभी ऐसा होगा, बट आप बने रहिए, आप ऐसा करते हैं तो मजा आता है। उसके बाद शालिनी ने लिखा है कि सर 2+V1 होता है लेकिन यहाँ V4 आया है। देखिए शालिनी, मैं यहाँ पर एक बात आपको समझा दूं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि 2+V1 हमेशा आता है, ये दोनों एक साथ का पैकेज है एंड दिस वन इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव कहलाता है। लेकिन 2 के बाद वर्ब 1+ING भी यूज होता है, कब? जब ये 2 प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है तब। कहने का मतलब है कि आपने ये पढ़ा होगा कहीं पर भी, आफ्टर स्टेइंग, इस तरीके का, कि प्रेपोजिशन के बाद जो है हम नाउन यूज करते हैं, और आपको पता है कि वर्ब 1+ING जो है वो नाउन इक्विवेलेंट होता है, हम नाउन की तरह उसको यूज कर सकते हैं, तो एक्चुअली वो होता है। तो वहां पर सीधा है कि आप कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में। जैसे अब यहां पर देखो, अगर आप देखोगे आई एम अबाउट टू, आपको ये लगता होगा हमेशा कि 2 के साथ V1 आया है। देखिए ये 2 यहां पर प्रेपोजिशन नहीं है, क्या है ये? प्रेपोजिशन नहीं है और इसीलिए जो है इसके साथ V1 आया है। प्रेपोजिशन यहां पर क्या है? अबाउट, है ना, ये है इस सेंटेंस का प्रेपोजिशन। तो आप सीधा समझिए कि जब 2 इन्फिनिटिव बनकर आएगा तो वो एक पैकेज होगा 2+V1 का, लेकिन अगर 2 एक प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो गया तो आप उसके बाद वर्ब 1+ING का प्रयोग कर सकते हैं, और यही उस सवाल में हुआ है। आप जरा गौर से उसको देखिए, जब आगे हम इस पर नॉन फाइनाइट चैप्टर लेकर के आएंगे उसमें हम इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल बताएंगे, तो वहां पर डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अगर आपको यह सिखा दिया है कि 2 के बाद हमेशा V1 होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 जब इन्फिनिटिव का हिस्सा होता है तब उसके साथ V1 होता है, अगर 2 प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है तो उसके साथ V1+ING का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए अगला कमेंट इसके बाद जो है, सृष्टि रॉय आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नैन्सी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। आप सबको मेरी तरफ से जो है बस एक ही बात संदेशे के तौर पर, इस एपिसोड के मैसेज के तौर पर ये कहूंगा कि अभी जो मैं सेशन शुरू कर रहा हूं, मुझे ये लगता है कि ये सभी तरह के बच्चों के लिए फायदेमंद है, जो सुपर बिगनर है उनके लिए, जो इंटरमीडिएट है उनके लिए, और जो एडवांस लेवल के हैं जिन्होंने PT और मेन बहुत सारे एग्जामिनेशन के क्वालिफाई किए हैं फिर भी अभी भी उनका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आपको देखना चाहिए, रिविजन के तौर पर ही सही, कुछ नए वो कैब आपको मिलेंगे, कुछ नई स्ट्रेटजी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको लगता है कि कोई भी सेशन जरूरत है आपके लिए कि मुझे वो करना चाहिए, वो भी मुझे कमेंट में बताइए। बाकी आप अपना फर्ज निभाते रहिए, फर्ज मतलब सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। अभी समय है यहाँ से विदा लेने का, अगले दिन फिर से एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।